हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरदारजी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्लास 11th का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का अगस्त माह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फिलहाल जैसा कि हमने 11th क्लास का ही आपके सभी सब्जेक्ट का बेसलाइन टेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसी तरीके से आपका जो है तो माह अगस्त का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। एक आपको इंट्रो दूँ कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं पूरे ओपन बुक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अगस्त माह वाले, और इसके बाद जो आगे मंथ के होंगे वो सभी आपके स्कूल्स में होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहे हैं आपके आपके आपकी तैयारी को परखने के लिए होते हैं, तो आप खुद से इसको करने का सबसे पहले प्रयास करें। नहीं अदरवाइज अगर आप खुद से अगर सॉल्यूशन बस लिख लेंगे तो क्या मतलब का रह जाएगा, ये बताओ पहले। टेस्ट किस मतलब का रह जाएगा, टेस्ट का मतलब ही क्या होता है। तो सबसे पहले आप खुद से करें, हाथ जोड़कर विनती है, इसके बाद ही आप किसी भी सॉल्यूशन से हेल्प लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद करने का प्रयास करें, इसके बाद ही कोई सॉल्यूशन लें। फिलहाल आज के वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको अगस्त का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके साथ ये भी बता दूँ, अभी इसके पहले बेसलाइन टेस्ट भी डाला था, और जो आपका इंग्लिश जितने भी मंथ में आपका टेस्ट होगा, क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, इन सब की तैयारी के साथ साथ पूरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि बुक्स वगैरह चेंज हो गई तो आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी आपकी करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, फिर अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ लिखना है। द कैट जम्प्ड डस्ट एज द टेबल। कैट मतलब बिल्ली कूदी किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, बाई, इन, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, हालांकि ऑन का यूज करते हैं, लेकिन ऑन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ऑन द टेबल होता है, लेकिन ये तब होता जब बिल्ली पहले से वहाँ होती। लेकिन जब कोई मूव करते हुए ऊपर जा रहा, मूव करते हुए बिल्ली जब यहाँ बैठी है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, तो मूव करते हुए यहाँ से जा रहा, तब यहाँ हम अपन अपॉन का यूज करेंगे। अगर पहले से बिल्ली बैठी होती तो हम ऑन का यूज करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें, आपके मेन एग्जाम में जब आएगा तो आपसे ये फैक्ट आपसे आना चाहिए, ठीक है। जब मूव करते कोई चीज़ जाए अपॉन यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन, पहला ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आई गॉट टू स्कूल डैश डैश बस, सॉरी आई गो टू स्कूल डैश डैश बस, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका बाई बस हो जाएगा। बस के माध्यम से जाते हैं तो बाई बस हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी की मीन्स किसी माध्यम किसी साधन के द्वारा जाना, बाई लगाते हैं। आई शॉ द न्यूज़ डैश डैश टेलीविजन, मैंने टेलीविजन देख मैंने न्यूज़ देखी, कहाँ देखी, इन टेलीविज़न में, इन, एट, ऑन, अंडर, तो क्या हो जाएगा, ऑन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। आई सॉ द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। अगला देखिए, आई लाइव डैश डैश इंडिया, आई लाइव इन इंडिया, सॉरी आई लिव है, आई लाइव पढ़ दिया, आई लिव इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपन एट भी यूज कर सकते थे, लेकिन एट यूज नहीं करेंगे। जब हम बोलेंगे इंडिया में दिल्ली में रह रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया हो जाता, ठीक है। अगला देखिए, रवि इज सिटिंग डैश डैश अ ट्री, तो क्या हो जाएगा, अंडर द ट्री हो जाएगा, क्लियर। ये पूरे सॉल्यूशन तो मिल ही गए, इनके सभी के क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं, सारे फैक्ट और सारे सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सेकेंड, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यू आर मनोज शास्त्री, रेसिडेंट ऑफ मचना, ठीक है, कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग हिम अबाउट प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग इन योर एरिया, ठीक है। वाटर प्रॉब्लम, पानी की समस्या का आपको क्या करना है, कलेक्टर को एक वो कंप्लेन लिखना है, ठीक है। तो उसको आपको इस तरीके से लिखना है, टू यहाँ जहाँ भी ये समस्या हो रही है वहाँ का एड्रेस लिखना है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है, इसके बाद जहाँ एड्रेस जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ये वही एड्रेस लिखना है एक बार, ठीक है, मतलब पूरा एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और ये आई एम पूरी जो भी डेट है, मतलब जो भी डिटेल है लिख देना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिलहाल ये तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं ये भी बताऊँगा आपको, जब आपके मेन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे अपन, तो इसमें यह भी बताऊँगा किस तरीके से आप बहुत ही ईजी स्टेप्स में आप एप्लीकेशन या कंप्लेंट्स वगैरह लिख सकेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के टेस्ट के लिए आप ये सोल्यूशन लिख लें। अगला देखिएगा, आई कॉन्टैक्टेड द म्यूनसिपल अथॉरिटी म्यूनसिपल मल्टीपल टाइम ऑन दिस मैटर, येट दिस दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरीज एंड कॉन्सर्न्स, प्लीज लुक इन टू द दिस इशू एट द अर्लीस्ट। अब ये योर ट्योरली, ठीक है, ये एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये उसी का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन ये, हुआ द कल्चरल सिक्योरिटी ऑफ स्कूल, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th अबाउट द इनर इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन, ड्राफ्ट अ नोटिस, नोटिस बनाना है।
50 वर्ड्स की, जो कि आपका इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और लड़की है तो विदिता यूज करेंगे, महेश यूज करेंगे, लड़का है तो ये आप यूज कर लें, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। इस तरीके से आपको लिखना नोटिस और एड्रेस और डेट, ठीक है। इसकी तैयारी पूरी करवाऊंगा आपको किस तरीके से करना है, यहाँ तक है आपका ये, ठीक है। अगला देखिए, यू हैव विटनेस रोड विटनेस्ड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग बस एंड मारुति कार राइजन रोड, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 125 words, यू आर मतलब रिपोर्टर दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर भोपाल के लिए आप रिपोर्टर है, जिसका नाम है बॉय है तो अंशुल, गर्ल है तो आशा। तो आपने एक एक्सीडेंट देखा, आई विटनेस है आप मारुति कार के साथ, उसका आपको जो होता है रिपोर्ट लिखना है, ये आपकी रिपोर्ट रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पूरी आप देख लें, इसकी तैयारी अपन आप करवाएंगे आगे क्वार्टरली हाफ ईयरली मेन एग्ज़ाम के लिए। देखिए, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर एज पोर्ट्रेड इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये आंसर रहा। ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड रिंकली वेमेन हु कूडेंट हैव ग्रोन ओल्डर, सी वॉज शॉर्ट प्लम्प एंड स्लाइटली बेंट, सी ऑलवेज मोर अ वाइट सारी विथ सारी वोर अ वाइट सारी विथ सिल्वर लॉक कवरिंग द हर फेस, ठीक है। यहाँ तक ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके बी नंबर है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डेड, तो द डॉक्टर टॉट नथिंग इट बट द ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली, सी टोल्ड एवरी वन दैट हर एंड वॉज नियर एंड साइंस सिंस हर एंड वॉज नियर सी वुड स्पेंड लास्ट ऑफ हर लिविंग मोमेंट इन प्रेयर एंड वुड नॉट वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग टू एनी वन। इसके बाद ये थर्ड भी देख लिए, वुड यू एग्री दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग पर्सन, इफ़ यस गिव इन सेंटेंस ऑफ सपोर्ट योर व्यूज, ठीक है। ये सभी आंसर लिख लें, तो ये आपका सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दिया, और आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली और मेन एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए मिलते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।